हेलो एंड वेलकम टू ऑल रूम किचन डॉट कॉम। मैं हूं सुमित हीरानंदानी। आज हॉल रूम किचन की टीम आ चुकी है पुणे ईस्ट के खराड़ी लोकेशन में। बिल्कुल हार्ट ऑफ खराड़ी लोकेशन से आज हम आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जहां पे नेवर सीन बिफोर प्रीमियम एंड स्पेशियस 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। इन फ्लैट्स में आपको बिल्कुल हटके चीज़ें देखने को मिल जाती है। आइए सबसे पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद हम कंप्लीट प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस करेंगे एंड सैम्पल फ्लैट का टूर भी कवर करेंगे इसी वीडियो में। इन फ्लैट्स के साथ आपको मेन डोर पे डिजिटल लॉक का सेटअप तो दिया जाता ही है, साथ ही साथ आपके मास्टर बेडरूम के डोर के साथ भी आपको डिजिटल लॉक का सेटअप दिया जाता है। आइए मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ। तो जो आपका मास्टर बेडरूम है, इसके मेन डोर के साथ भी आपको कुछ इस तरीके का डिजिटल लॉक का सेटअप दिया जाता है। यूजुअली आप आपके मास्टर बेडरूम में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी एंड कैश वगैरह स्टोर करते हो, तो उस हिसाब से सेफ्टी पर्सपेक्टिव से ये आपको काफ़ी अच्छी यूटिलिटी यहाँ पे दी गई है। मास्टर बेडरूम में जो फ्लोरिंग है ये आप देख लीजिए, वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग आपको सभी के सभी फ्लैट्स के मास्टर बेडरूम्स में दिया जाता है, चाहे आप 2 BHK लीजिए, 3 BHK लीजिए या फिर 4 BHK लीजिए। आ जाइए, साथ ही साथ आपको जो मास्टर वॉशरूम मिल जाता है, इसमें जो फ्लोरिंग है ये मार्बल फ्लोरिंग आपको दी जाएगी। तो आपके सारे के सारे मास्टर वॉशरूम्स जो हैं वो आपको कुछ इस तरीके के मार्बल फ्लोरिंग के मिलते हैं, जिसमें आपको रेन शॉवर का सेटअप भी मिल जाता है, साथ ही साथ आपको हैंड शॉवर का सेटअप भी देखने को मिल जाता है। प्लेटफॉर्म माउंटेड आपको जो है कुछ इस तरीके के ब्रांडेड बेसिन स्पेसेस देखने को मिल जाते हैं। वॉल माउंटेड कमोड स्पेस आपको मिल जाएगा, जिसके साथ जो लिट है ये सॉफ्ट क्लोजिंग वाले लिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक और बेस्ट बात है, आप इस तरफ आ जाइए, आपको साथ ही साथ वॉशरूम्स में वॉक इन वार्ड्रॉप स्पेस कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। अगर आप वॉक इन वार्ड्रॉप स्पेस बाहर की तरफ चाहते हैं, वॉशरूम के अंदर नहीं चाहते, तो वैसी भी तरीके की आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशंस देखने को मिल जाती है। चलिए अब किचन एरिया को चेक करते हैं। इंटरेस्टिंगली इन पर्टिकुलर फ्लैट्स के साथ आपको स्टोरेज स्पेसेस अलग से देखने को मिल जाते हैं। आ जाइए, किचन एरिया है, आपको कुछ इस तरीके का किचन मिल जाता है। इस तरफ आपको ड्राई बालकनी मिलती है एंड इस तरफ आपको जो है स्टोरेज स्पेस अलग से मिल जाता है। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन आपके स्टोरेज स्पेस के हिसाब से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे लेडीज़ को स्टोरेज स्पेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपने जो भी ग्रेन्स हैं या फिर दालें वगैरह हैं, जो भी आप ग्रॉसरी आइटम्स एक्स्ट्रा लेके आके स्टोर करना चाहो, वो आप इस पर्टिकुलर कॉर्नर में आपके इंटीरियर्स करा के स्टोरेज स्पेस क्रिएट करके यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर आप चाहें बड़ा सा प्लेटफॉर्म, किचन प्लेटफॉर्म आप चाहते हैं, तो इसे कम्प्लीटली एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ तक बिल्डर्स आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी देते हैं। अगर आपको एल शेप में इसे बनवाना है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप एल शेप में एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप छोटा सा स्टोरेज स्पेस उस केस में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको बड़ा स्टोरेज स्पेस चाहिए या फिर हाफ पोर्शन को आप स्टोरेज स्पेस के हिसाब से यूटिलाइज करना चाहें, वो कम्प्लीटली यहाँ पे पॉसिबल है। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं चीज़ें, हो सकता है किचन ट्रॉलीज हो, ओवरहेड कैबिनेट्स हो या फिर चिमनी कुकटॉप हो, ये भी चीज़ें अगर आपको चाहिए इसी कलर की या फिर कुछ कस्टमाइजेशन इसमें आप चाहते हैं, तो वो एट एडिशनल कॉस्ट आपको बिल्डर्स यहाँ पे बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। इन पर्टिकुलर फ्लैट्स के साथ जो विंडोज़ आपको दिए जाते हैं, ये आपको UPVC मटेरियल के विंडोज़ दिए जाते हैं। जो ग्लासेस यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, ये टफन ग्लास यूज़ किए गए हैं। इन विंडोज़ के साथ आपको नॉइज़ कैंसिलेशन प्रॉपरली यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जो ग्रेनाइट आप देख रहे हैं, ये आपको विंडोज़ के चारों तरफ दिए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे फिटिंग्स भी आपको विंडोज़ की यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दो अलग अलग विंडोज़ भी मिल जाते हैं, तो क्रॉस वेंटिलेशन भी आपके बेडरूम्स में यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इन फ्लैट्स में आपको नीचे आप टाइल्स देख लीजिए, 6x4 साइज़ के मार्बल लुक लाइक टाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आ जाइए, लिविंग एरिया के साथ आपको बड़े से स्काई डेक एरियाज़ भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू एंड वेंटिलेशन आप एंजॉय कर पाओगे। नीचे वुडन लुक लाइक एंटीस्किड टाइल्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपके स्काई डेक में आपको अच्छा व्यू आने के लिए यहाँ पे टफन ग्लास के रेलिंग का सेटअप दिया जाता है। आ जाइए, प्लस आपको एक यहाँ पे स्विच भी दिया जाता है एंड वाटर का कनेक्शन भी आपको आपके स्काई डेक एरियाज़ में दिया जाता है। तो स्काई डेक एरियाज़ में आप जो भी ट्री प्लांटेशन वगैरह करेंगे, उसके लिए आप पानी यहाँ से ही सोर्स कर सकते हैं। साथ ही आपको स्काई डेक वगैरह वॉश भी करना है, तो उसके लिए भी आप पानी का यूटिलाइजेशन इसी टैप से यहाँ पे प्रॉपरली कर सकते हैं। साथ ही साथ इन फ्लैट्स में आपको डेडिकेटेड स्पेसेस भी देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे आप कुछ इस तरीके का एक अच्छा सा टेंपल यूनिट भी रख सकते हो। प्लस आपको इन फ्लैट्स में DG बैकअप यानी जनरेटर बैकअप भी पहले से ही दिए जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जाने का भी आपको कोई इशू यहाँ पे फेस करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग एंड साइजिंग से। यहाँ पे 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है। करंटली यहाँ पे टोकन्स ऑन गोइंग है, 1 लाख रुपीज़ का आपको रिफंडेबल टोकन यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड कुछ ही वीक्स में यहाँ पे जो है लॉन्च रखा जाएगा।
करंटली जो प्राइसिंग एंड साइजिंग यहाँ पे बिल्डर्स बता रहे हैं वो कुछ इस तरीके की है। 2 BHK आपको दो वेरिएंट के मिल जाते हैं, 755 स्क्वायर फीट एंड 775 स्क्वायर फीट कारपेट का, जिसका मैक्सिमम प्राइसिंग 1 करोड़ ऑल इंक्लूसिव रखा गया है। एंड 3 BHK भी आपको दो वेरिएंट के यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 1040 स्क्वायर फीट एंड 1085 स्क्वायर फीट कारपेट का, जिसका मैक्सिमम प्राइसिंग रखा गया है 1 करोड़ 50 लाख ऑल इंक्लूसिव। 4 BHK भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका कारपेट एरिया है 1315 स्क्वायर फीट का एंड जिसका मैक्सिमम प्राइसिंग जो है ये 1 करोड़ 75 लाख ऑल इंक्लूसिव बताया जा रहा है। लॉन्च वाले दिन आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ टोकन होल्डर्स वालों के लिए ही रखे जाएंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो प्राइसिंग रिवील की जाएगी वो कुछ इस तरीके की होगी, 2 BHK की लगभग 85 लाख से लेकर 99 लाख ऑल इंक्लूसिव रखी जाएगी, 3 BHK की 1 करोड़ 40 लाख से लेकर 1 करोड़ 50 लाख ऑल इंक्लूसिव रखी जाएगी एंड 4 BHK की जो प्राइसिंग है ये 1 करोड़ 70 लाख से लेकर 1 करोड़ 75 लाख ऑल इंक्लूसिव, ऐसी प्राइसिंग में यहाँ पे लॉन्च वाले दिन पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ वन ऑफ दी वेरी वेरी रीजनेबली प्राइस प्रोजेक्ट एट दी हार्ट ऑफ खराड़ी लोकेशन। ऐसा लोकेशन, प्रोजेक्ट, प्राइजिंग एंड डेवलपर का कॉम्बिनेशन आपको फिर से देखने को नहीं मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी डिले ना करें। अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी साइट विजिट करनी है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें एंड अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही यहाँ पे साइट विजिट्स अलाउड है, तो उस बात का भी आप ख्याल जरूर रखें। आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके साइट विजिट के लिए जरूर है। साथ ही साथ हम लोग जूम कॉल प्रेजेंटेशन के लिए भी अवेलेबल है, तो अगर आप घर बैठे बैठे जूम कॉल प्रेजेंटेशन चाहते हैं, अगर आप पुणे में नहीं है या फिर आउट ऑफ इंडिया है, तो हम आप सभी के लिए भी जूम कॉल प्रेजेंटेशंस के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए मैं आपको क्विकली 3 BHK के सैंपल फ्लैट टूर क्विकली करा देता हूँ, उसके बाद हम प्रोजेक्ट के बाकी डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए 3 BHK के सैंपल फ्लैट टूर करते हैं। 1085 स्क्वायर फीट का ये 3 BHK यहाँ पे रेडी है। आपको हर एक फ्लैट के साथ कुछ इस तरीके का ब्रांडेड वीडियो डोर फोन देखने को मिल जाता है, प्लस आपके मेन डोर के साथ जो है आपको कुछ इस तरीके का डिजिटल लॉक का सेटअप प्रॉपरली देखने को मिल जाता है। एंड जो आप फ्रेम देख रहे हैं ये इसी तरीके की आपको जो है मेन एंट्रेंस डोर पे फ्रेम मिल जाती है, इसी तरीके के आपको 7.5 हाइट वाले मेन डोर्स देखने को मिल जाते हैं। आ जाइए, आप जैसे फ्लैट में एंटर करते हो आपको एक डिसेंट साइज़ की एंट्रेंस लॉबी देखने को मिल जाती है। दो वैरायटी के यहाँ पे लेआउट्स के 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल है। एंट्री पे ही अगर आपको गेस्ट बेडरूम चाहिए एंड लिविंग डाइनिंग के उस तरफ आपको किड्स बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम चाहिए, तो वैसे वाले लेआउट भी यहाँ पे अवेलेबल है एंड इसी तरीके का सैम्पल फ्लैट यहाँ पे रेडी है। या फिर अगर आप चाहें लिविंग डाइनिंग के दूसरी तरफ आपको तीनों बेडरूम्स एक साथ चाहिए, तो वैसे वाले लेआउट्स भी यहाँ पे पॉसिबल है। आ जाइए, आप जैसे ही एंटर करते हो एंट्रेंस लॉबी में इस तरफ आपको गेस्ट बेडरूम मिल जाता है। आइए मैं आपको क्विकली गेस्ट बेडरूम दिखा देता हूँ। एक अच्छे डिसेंट साइज़ का आपको यहाँ पे गेस्ट बेडरूम देखने को मिल जाता है, जिसमें आप बड़े आराम से आपका फर्नीचर काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आप चाहें तो क्वीन साइज़ का बेड या फिर किंग साइज़ का बेड इस पर्टिकुलर सेक्शन में ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उसके अपोजिट साइड पर आपको यहाँ पर वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट आप प्रॉपरली लगा सकते हो। अगेन मैंने आपको जैसे बताया, ये आपको जो विंडोज़ हैं ये UPVC विंडोज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सभी से सभी विंडोज़ आपको UPVC विंडोज़ मिल जाता है एंड जिसके साथ आपको मॉस्किटो मेश भी प्रॉपरली दिए जाते हैं एंड ग्रेनाइट के जो है आपको यहाँ पे विंडोज़ के साथ फिटिंग्स प्रॉपरली करके दी जाती है। ये जो पर्टिकुलर विंडो है यहाँ से आप आपके स्काई डेक एरिया को एक्सेस कर पाते हो, तो उस हिसाब से आप देखें तो ये आपका गेस्ट बेडरूम आ गया। वार्डरोब की स्पेस अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पर्टिकुलर सेक्शन में आप बड़े आराम से बड़ा सा वार्डरोब स्पेस क्रिएट कर सकते हो। आइए अब आपको अटैच्ड गेस्ट मास्टर वॉशरूम दिखा देता हूँ। आ जाइए, आप जैसे ही एंटर करते हो आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन स्पेस, वॉल माउंटेड कमोड स्पेस मिलता है, जिसमें जो आपको फ्लश एरिया है ये कंसील्ड मिलता है एंड ये आपका बेडिंग एरिया मिल जाता है। इसमें आपको मैं CP-Wear सैनिटरी वेयर की अगर बात करूँ तो सारे ब्रांडेड CP-Wear सैनिटरी वेयर मिल जाते हैं, टोटो, ग्रोहे एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड के आपको CP-Wear सैनिटरी वेयर मिल जाते हैं। डिजाइनर कलर कॉम्बिनेशन के आपको एंटी स्किड टाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नीचे की जो फ्लोरिंग है ये एंटी स्किड एंड मैट फिनिश वाली मिलती है एंड जो वॉल्स हैं ये आपको ग्लॉसी फिनिश वाले मिल जाते हैं टाइल्स। एंड अगेन यहाँ पे UPVC विंडो भी आपको मिल जाती है, जहाँ से आप चाहें तो कुछ इस तरीके से इसे ओपन भी कर सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी इंस्टॉल करना है तो वो भी आप यहाँ पे बड़े आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं लिविंग डाइनिंग एरिया की तरफ। आ जाइए, अगर आप पर्टिकुलरली 2 BHK फ्लैट चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर बेडरूम आपको 2 BHK फ्लैट में नहीं मिलती, तो आप जैसे इसे एक्सक्लूड करते हो तो बाकी रेस्ट ऑफ द फ्लैट आपको एज इट इज़ ऑलमोस्ट 2 BHK फ्लैट के हिसाब से मिल जाता है। आप जैसे एंट्रेंस लॉबी से आगे आते हो तो आपको एल शेप में ग्रैंड एंड स्पेशियस लिविंग डाइनिंग एरियाज मिल जाता है। काफ़ी रूमी एंड काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे लिविंग डाइनिंग एरियाज देखने को मिल जाते हैं। नीचे आप एक बार टाइल्स भी देख लीजिए, मार्बल लुक, मार्बल फिनिश्ड वेट्रीफाइड टाइल्स आपको इन पर्टिकुलर फ्लैट्स में मिलते हैं। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 6x4 साइज़ की आपको जो है ये पर्टिकुलर मार्बल फिनिश्ड वेट्रीफाइड टाइल्स आपके एंटायर फ्लैट में
देखने को मिल जाते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको डाइनिंग एरिया दिखाना चाहूँगा। काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे देखिए डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे डाइनिंग यूनिट की अरेंजमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कुछ इस तरीके का एक प्यारा सा आपका टेम्पल यूनिट का अरेंजमेंट भी कर सकते हो। उतनी इनफ स्पेस आपको यहाँ पे डाइनिंग एरिया में प्रॉपरली मिल जाती है। प्लस आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक प्यारी सी विंडो भी मिल जाती है, जिसके साथ आपको प्लीटेड मॉस्किटो मेश भी मिल जाता है। तो आपका जो यहाँ पे स्काई डेक एरिया है, वहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन आपको इस पर्टिकुलर विंडो के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता रहेगा। ये आपका आ गया लिविंग पोर्शन। देखिए काफ़ी स्पेशियस लिविंग पोर्शन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आप चाहें तो यहाँ पे बड़ा सा लॉन्जमेंट एरिया क्रिएट कर सकते हो, तो आपका सोफ़ा यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, बीच में सेंटर टेबल आ जाएगा। एंड इस पर्टिकुलर वॉल पे आपको मल्टीपल स्विच बोर्ड्स दिए जाते हैं, तो आपका वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट आप यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हो। एंड सामने की तरफ आप सोफ़ा पे बैठ के यहाँ से एक टेलीविजन यूनिट का प्रॉपर व्यूइंग कर सकते हो। साथ ही साथ एक और यूएसपी है, यहाँ पे आपको जो है यूएसपी पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। तो आप जब सोफ़ा पे बैठे रहेंगे, आप चाहें तो यहाँ से यूएसपी पोर्ट यूज़ करके आपके लैपटॉप मोबाइल या जो भी गैजेट्स आप चार्ज करना चाहें उसका भी आप यहाँ से चार्जिंग कर सकते हो। आ जाइए, अब आपको स्काई डेक एरियाज दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़े से स्काई डेक एरियाज आपको इन पर्टिकुलर फ्लैट्स के साथ देखने को मिल जाते हैं। अगेन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये सारे जो स्लाइडर्स हैं ये यूपीवीसी जो है मटेरियल के बने हुए रहते हैं। एंड ये जो ग्लासेस हैं ये टफन ग्लासेस यहाँ पे यूज़ किए गए, तो इससे आपको नॉइज़ कैंसिलेशन भी प्रॉपरली देखने को मिल जाता है। अगेन यहाँ पे आप हैंडल्स भी देख लीजिए, मैनुअल ऑपरेटिंग हैंडल्स दिए गए, ये लैचेस नहीं यूज़ किए गए हैं यहाँ पे। यूजुअली क्या होता है, अगर लैचेस दिए जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक कभी कभी आपको जो है स्काई डेक एरियाज में लॉक भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मैनुअल ऑपरेटेड जो है लॉक्स दिए गए, तो आप कभी भी बाहर की तरफ फंसोगे नहीं। उस हिसाब से ये यूटिलिटी यहाँ पे दी गई है। प्लस आपको मॉस्किटो मेश भी आप देख लीजिए, इस तरीके के मॉस्किटो मेश भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। अगेन एक और बेस्ट पार्ट बताना चाहूँगा, नीचे आप इनका चैनल्स भी देख लीजिए, काफ़ी वाइड चैनल्स मिल जाते हैं, तो आप इनकी क्लीनिंग भी टाइम टू टाइम एंड रेगुलरली प्रॉपरली कर पाते हो। आइए अब मैं आपको स्काई डेक एरिया दिखाना चाहूँगा। काफ़ी स्पेशियस एंड बड़ा सा आपको यहाँ पे स्काई डेक एरियाज देखने को मिल जाते हैं। नीचे वुडन लुक लाइक एंटी स्किड टाइल्स आपको मिलती है, टफन ग्लास का आप देख लीजिए रेलिंग का सेटअप मिल जाता है। यहाँ से आप बड़ा अच्छा व्यू एंड वेंटिलेशन सिटी स्काईस्केप का यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर से आपको ये बालकनीज जो है प्रॉपरली कवर्ड मिलेगी, तो इस हिसाब से आप देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है बाहर की तरफ। आ जाइए, इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप जैसे इस तरफ आते हो तो आपके गेस्ट बेडरूम के साथ एरिया ये आपका और भी बड़ा हो जाता है, तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ या फिर आपके कजिन्स के साथ बाहर बैठ के भी एक अच्छा सा टाइम स्पेंड यहाँ पे कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे जो है बाहर एक इलेक्ट्रिक स्विच भी मिल जाता है, तो वर्क फ्रॉम होम भी आप बाहर बैठ के कर सकते हो या फिर मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो, या फिर फेस्टिवल सीजन में ये स्विच को यूज़ करके आप बाहर की तरफ जो है डिज़ाइनर लाइट्स वगैरह भी लगा सकते हो। प्लस आपको बाहर की तरफ वाटर कनेक्शन भी दिया जाता है, तो स्काई डेक एरिया में जितना भी आप प्लांटेशन करोगे उसके लिए आप पानी का सोर्सिंग इस पर्टिकुलर टैप से कर सकते हो। साथ ही साथ आपको स्काई डेक एरिया जो है वॉश वगैरह भी करना है, तो उसके लिए आप पानी यहीं से यूटिलाइज कर सकते हो। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करते हैं। आ जाइए, इस तरफ आ जाता है आपका स्पेशियस किचन एरिया। आ जाइए, काफ़ी बढ़िया किचन एरिया आपको मिल जाता है, एंड साथ ही साथ कस्टमाइजेशन भी यहाँ पे पॉसिबल है। ये आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म आ गया किचन एरिया का, एंड इस तरफ जो है आपका ये ड्राई पोर्शन आ गया, तो इनक्लोज ड्राई बालकनीज आपको मिल जाती है। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये पार्टीशंस भी आपको किए जाएंगे करके मिलते हैं, तो आपका ड्राई पोर्शन कम्प्लीटली आपको सेपरेट आउट करके यहाँ पे मिल जाता है। आ जाइए, इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे इनलेट, आउटलेट एंड स्विच बोर्ड भी मिल जाता है, तो आपका वॉशिंग मशीन का सेटअप एंड अरेंजमेंट आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में बड़े आराम से कर सकते हो। यहाँ पे बड़ी सी विंडो आपको मिल जाती है, जहाँ से एक अच्छा वेंटिलेशन आपके किचन एरियाज में आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे दो सिंक प्रोवाइडेड आपको मिलते हैं, एक ड्राई पोर्शन में जहाँ पे आप डर्टी यूटेंसिल्स वगैरह वॉश कर सकते हो, एंड एक आपके किचन के अंदर भी आपको जो है सिंक पोर्शन मिलता है जहाँ पे आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रॉपरली वॉश कर पाते हो। एंड ये आपका आ गया कुकिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप कुछ इस तरीके से कुक टॉप एंड चिमनी का सेटअप यहाँ पे कर सकते हो, एंड कुछ इस तरीके के आप आपके जो है किचन ट्रॉलीज एंड कैबिनेट्स की भी अरेंजमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये फर्निशिंग भी चाहिए आपके फ्लैट के साथ, तो ये एट एडिशनल कॉस्ट आपको बिल्डर्स यहाँ पे प्रोवाइड करें। साथ ही साथ इसमें कस्टमाइजेशंस भी पॉसिबल है, अगर आपको करंट कलर्स अलग अलग चाहिए या फिर डिज़ाइंस अलग अलग चाहिए तो वो भी यहाँ पे बिल्डर्स आपको करके देंगे, तो आपको पोजेशन तक ये सारी चीज़ें बना के फ्लैट के अंदर जो है मिल जाती हैं। साथ ही साथ आपको
इन 3 BHK फ्लैट्स में यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशनल स्टोरेज स्पेसेस भी मिल जाते हैं। तो लेडीज़ को यूजुअली स्टोरेज स्पेसेस की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, अपने ग्रेन्स या फिर ग्रॉसरी आइटम्स जो भी है, दालें वगैरह जो भी है, वो यहाँ पे आप प्रॉपरली स्टोर कर सकते हो। तो आपके इंटीरियर्स में आप यहाँ पे बड़ा सा जो है कबर्ट एरियाज क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आप आपके ग्रॉसरी आइटम्स को प्रॉपरली स्टोर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कस्टमाइजेशन करना है एंड आपको किचन प्लेटफॉर्म और भी बड़ा चाहिए तो वो भी आप एक्सटेंड कर सकते हो एडिशनल कॉस्ट। तो कस्टमाइजेशन भी आपको यहाँ पे डेवलपर्स दे रहे हैं, तो पूरा बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो या फिर स्टोरेज स्पेस के हिसाब से यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर कॉर्नर पे जो स्पेस है यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर यूनिट प्रॉपरली इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे आ जाएगा। ये जो वॉल यहाँ पे दिखाई है ये भी कस्टमाइजेबल है, अगर आपको ये वॉल नहीं चाहिए, किचन का जो एंट्रेंस है ये बड़ा चाहिए, तो उस हिसाब से भी इस वॉल को भी हटाया जा सकता है, या फिर आपको इसे एज ए ब्रेकफास्ट काउंटर भी बनाना चाहते हो तो वो भी कस्टमाइजेशन से यहाँ पे पॉसिबल है। आइए अब मैं आपको नेक्स्ट दोनों बेडरूम्स दिखा देता हूँ, आ जाइए। अब जैसे डाइनिंग एरिया से आगे आते हो यहाँ पे आपका प्यारा सा एक बेसिन स्पेस बाहर की तरफ मिल जाता है, ताकि आप जैसे डाइनिंग टेबल से उठें तो आप हैंड वॉश वगैरह यहीं पे प्रॉपरली कर पाए। एंड इस तरफ जो है आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है जहाँ पे ये बेडिंग स्पेस है, एंड ये वॉल माउंटेड कमोड स्पेस मिलता है। नीचे एंटी स्किड एंड मैट फिनिश टाइल्स मिलती है, एंड ऊपर जो टाइल्स आप देख रहे हैं ये ग्लॉसी फिनिशिंग वाले 4x2 साइज़ के टाइल्स आपको मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पे आपको UPVC का सेटअप प्रॉपरली देखने को मिल जाता है। आपके एंटायर फ्लैट में जो आप यहाँ पे हैंडल्स, डोर हैंडल्स देख रहे हैं, ये आपको ब्लैक फिनिश के मिलते हैं, क्यूबा कंपनी के मिलते हैं। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करते हैं। इस तरफ आपको किड्स बेडरूम मिल जाता है, काफ़ी अच्छे साइज़ के आपको यहाँ पे किड्स बेडरूम देखने को मिल जाते हैं। आप आपके किड्स के लिए यहाँ पे प्रॉपर बेड अरेंज कर सकते हैं, उनके लिए स्टडी टेबल अरेंज कर सकते हैं, टॉय सेक्शन अरेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कॉर्नर में आप चाहें तो बड़ा सा वार्डरोब भी अरेंज कर सकते हैं। तो आपके किड्स के लिए जो भी फर्निशिंग की रिक्वायरमेंट है वो आप बड़े आराम से इस पर्टिकुलर बेडरूम में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप उनको वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट भी इंस्टॉल करके देना चाहते हैं या फिर डिजिटल बोर्ड्स भी इंस्टॉल करके देना चाहते हैं उनके पढ़ाई के लिए, तो वो भी आप इस पर्टिकुलर वॉल पे कर सकते हैं। साथ ही साथ इन पर्टिकुलर किड्स बेडरूम में आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 अच्छे से विंडोज़ मिल जाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी विंडो मिल जाती है जो आपके स्काई डेक को फेसिंग है, एंड यहाँ पे आपको एक बड़ी सी विंडो मिल जाती है जिसके नीचे के जो पोर्शंस हैं ये आपको फिक्स्ड पोर्शंस मिलते हैं, एंड ऊपर के स्लाइडर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से नीचे के पोर्शंस आपको फिक्स्ड पोर्शंस ही दिए गए, एंड अच्छा व्यू एंड वेंटिलेशन आपके किड्स बेडरूम में इन पर्टिकुलर विंडो से देखने को मिल जाता है। आइए अब मास्टर बेडरूम को चेक करेंगे, आ जाइए। अब जैसे मास्टर बेडरूम में आते हो नीचे आप एक बार टाइल्स देख लीजिए, इसी तरीके के वुडन लैमिनेटेड टाइल्स आपको हर एक फ्लैट के मास्टर बेडरूम में यहाँ पे दिए जाते हैं। प्लस आप यहाँ पे विंडोज़ भी देख लीजिए, काफ़ी बड़ी सी विंडोज़ मिल जाती है, नीचे के पोर्शंस जो है ये आपको फिक्स्ड पोर्शंस मिलते हैं, एंड ऊपर के स्लाइडर्स आपको मिलते हैं जिसके साथ आपको एक मॉस्किटो मेश भी प्रॉपरली मिल जाता है। तो उस हिसाब से आप देखें तो अच्छा व्यू एंड वेंटिलेशन आपको इन पर्टिकुलर विंडोज़ से आपके मास्टर बेडरूम में आपको प्रॉपरली मिल जाएगा, काफ़ी इनफ स्पेस है। प्लस साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पे जो है एक बड़ा सा क्वीन साइज़ का, किंग साइज़ का बेड अरेंज कर सकते हैं। आपको वार्डरोब अगर इंस्टॉल करना है तो वॉक इन वार्डरोब स्पेस आपको वॉशरूम के अंदर मिल जाता है, तो वो आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं। तो इस पर्टिकुलर पूरे मास्टर बेडरूम में आप कुछ बेड की अरेंजमेंट कर सकते हो, कुछ लॉन्जमेंट एरिया छोटा सा क्रिएट कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम डेस्क अगर आप लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे बड़े आराम से लगा सकते हैं। आइए अब मैं आपको मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड मास्टर वॉशरूम दिखा देता हूँ, एंड इसमें आपको वॉक इन वार्डरोब स्पेस भी मिल जाता है। आप अंदर की तरफ एक बार आ जाइए। वॉशरूम्स जो हैं इसमें आपको मार्बल की फ्लोरिंग आपको मिल जाती है, इटालियन मार्बल आपको एंटायर मास्टर वॉशरूम में यहाँ पे मिल जाता है। ये पर्टिकुलर सेक्शन आपका वॉक इन वार्डरोब सेक्शन आपको मिल जाता है आपके मास्टर बेडरूम के साथ। इसे अगर आप वॉशरूम के अंदर नहीं चाहते हैं, बाहर की तरफ से एक्सेसिबिलिटी चाहते हैं, तो वो कस्टमाइजेशन भी यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। आ जाइए, मैं अभी आपको यहाँ पे बेडिंग स्पेस दिखाना चाहूँगा। तो ये आपका जो है रेन शावर मिल जाता है आपको, एक हैंड शावर मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपका पूरा बेडिंग यूनिट दिया जाता है। इस तरफ आपको प्लेटफॉर्म माउंटेड बेसिन स्पेस, एंड ये आपका वॉल माउंटेड कमोड स्पेस आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिया जाता है। एंड अगेन थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन अगर आपको यहाँ पे चाहिए, जैसे कि वॉक इन वार्डरोब स्पेस अगर बाहर की तरफ चाहिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। CPWare सैनिटरीवेयर ये आपको स्टैंडर्ड कंपनीज़ के मिलते हैं, टोटो, ग्रोहेन, अमेरिकन स्टैंडर्ड के CPWare एंड सैनिटरीवेयर देखने को मिल जाते हैं। आ जाइए, तो
तो कुछ इस तरीके के स्पेशियस 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल हार्ट ऑफ द खराड़ी लोकेशन में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। एंड अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है, साइट विजिट करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। चलिए मैं आपको क्विकली प्रोजेक्ट की बाकी चीज़ों को भी क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल 2.5 एकर्स के लैंड पार्सल पे ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 4 हाई राइज रेजिडेंशियल टावर्स एंड रोड फेसिंग पे हाई स्ट्रीट रिटेल कमर्शियल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। टोटल 6 लेवल्स ऑफ कार पार्किंग यहाँ पे रखी गई है, 3 बेसमेंट में है, 1 ग्राउंड पे है एंड 2 पोडियम पे आपको यहाँ पे कार पार्किंग देखने को मिलती है। तो 6 लेवल्स ऑफ कार पार्किंग, उसके ऊपर 23 स्टोरीज ऑफ रेजिडेंशियल फ्लोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हर एक फ्लोर पे आपको सिर्फ 4 कॉर्नर फ्लैट्स ही यहाँ पे दिए जाते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट जिस लोकेशन पे चालू है, उसके आजू बाजू में सारी डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। एंड जो नेबरहुड है, ये हार्डली 2 to 6 स्टोरी के बिल्डिंग्स ही आपको इस पर्टिकुलर नेबरहुड में देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हाई राइज टावर से आपको अनइंटरप्टेड व्यू एंड वेंटिलेशन देखने को मिल जाता है। बात करूँ एमटीज़ की, तो एमटीज़ भी टोटल 4 लेवल्स पे डिवाइडेड है। कुछ एमटीज़ ग्राउंड फ्लोर पे है, कुछ पोडियम 1 पे है, कुछ पोडियम 2 पे है एंड कुछ एमटीज़ आपको रूफ टॉप पे यहाँ पे दी गई है। एज ग्रुप वाइज ये एमटीज़ भी डिवाइड करके दी गई है यहाँ पे डेवलपर्स के एंड से। जो ग्राउंड फ्लोर पे एमटीज़ हैं, ये किड्स एंड एल्डर्स के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। तो वहाँ पे आपको टेम्पल, सिट आउट एरिया, गार्डन एंड लॉन जैसी एमटीज़ देखने को मिल जाती है। पोडियम 1 पे आपको स्विमिंग पूल, एक्चुअली 2 स्विमिंग पूल एंड क्लब हाउस दिया जाता है। 2 स्विमिंग पूल इस हिसाब से दिया गया है, अगर आपको सिर्फ लेजर के हिसाब से पूल यूज़ करना है तो एक लेजर पूल अलग से रखा गया है। एंड अगर आप स्विमिंग एंथुजियास्ट है तो उसके लिए आपको एक अलग से लैप पूल दिया गया है, जहाँ पे काफ़ी बड़ा सा लैप आपके स्विमिंग के हिसाब से लैप पूरा का राउंड ले सकते हैं, उस हिसाब से आपको लैप पूल अलग से दिया जाता है। पोडियम 2 पे जो एमटीज़ हैं, ये टीनेजर्स के हिसाब से डिज़ाइन की गई है, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स के हिसाब से एंड प्ले जोन्स के हिसाब से एमटीज़ दी गई है। एंड रूफ टॉप पे जो एमटीज़ दी गई है, ये आपको स्टार गेजिंग, सनराइज, सनसेट व्यूइंग पॉइंट के हिसाब से एमटीज़ दी गई है। तो रूफ टॉप पे आपको व्यूइंग, वॉकिंग एंड अगर आपको सिट आउट एरिया चाहिए तो उस हिसाब से आपको रूफ टॉप पे एमटीज़ दी गई है। साथ ही साथ रूफ टॉप पे आपको किचन विथ सर्विस एरियाज एंड बारबेक्यू जोन्स भी क्रिएट करके दिए गए। स्टेट ऑफ द आर्ट एमटीज़ आपको रूफ टॉप पे यहाँ पे क्रिएट करके दी जाएंगी, ताकि आप एक अच्छा सा व्यू एंड सिटी स्केप का पूरा सा व्यू वगैरह एंजॉय कर पाओ। उस हिसाब से आपको स्टेट ऑफ द आर्ट एमटीज़ आपको रूफ टॉप पे एंड बाकी के भी लेवल्स पे दी जाती है। बात करूँ पोजीशन की, तो आपको इसका पोजीशन दिसंबर 2026 में मिल जाएगा। रेरा ऑलरेडी आ चुका है एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है, एक्सकेवेशन का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड करंटली यहाँ पे टोकन्स ऑन गोइंग है, रिफंडेबल टोकन से ऑफ 1 लाख रुपीज़ एंड टोकन होल्डर्स के लिए लॉन्च वाले दिन पे स्पेशल प्राइजिंग एंड डिस्काउंट्स यहाँ पे जो है रिवील की जाएगी। लोकेशन के बारे में एक ही लाइन बताना चाहूँगा, सेंटर ऑफ खराड़ी लोकेशन ये बिल्कुल आ जाता है। साथ ही साथ डेवलपर्स के लिए भी एक ही लाइन में बताना चाहूँगा, 41+ ईयर्स का एक्सपीरियंस इनको कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी है। पुणे के ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में ये काफ़ी सारा काम ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का कर चुके हैं, वेल नोन एंड रिनोन डेवलपर्स ऑफ पुणे है। अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पसंद आई, आप साइट विजिट करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कॉल करें। अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही यहाँ पे साइट विजिट अलाउड है, तो इस बात का आप ख्याल जरूर रखें। अगर आपको साइट विजिट चाहिए तो आप हमें कॉल करके आपकी अपॉइंटमेंट बुक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपको घर बैठे जूम कॉल प्रेजेंटेशन चाहते हैं, अगर आप पुणे में नहीं हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया हैं, तो उस हिसाब से आपको जूम कॉल प्रेजेंटेशंस की भी यहाँ पे अरेंजमेंट हम लोग करके दे देंगे, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो खराड़ी लोकेशन में स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, उनके साथ ये पर्टिकुलर वीडियो जो है शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ आपके चैनल हॉल रूम किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक जरूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पर दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।